जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ट्रूडो को लेके और खास करके खालिस्तान को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? जो देखो जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है वो बिल्कुल ही गलत हाथों में खेल रहे हैं, और जितने हमारे मोस्ट वांटेड जितने भी गैंगस्टर पंजाब के हैं और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, टॉप 10 में से 8 वहां पे उन्होंने उनको बना दी हुई है और उनको असाइलम दे के वहां पे रखा हुआ है। और अब जो निजर वहां पे मारा गया है वो ड्रग की गैंग वॉर में मारा गया है, और उसे ये कहा जा रहा है भाई हिंदुस्तान की एजेंसियों ने उसे मारा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल मिनोरिटी को, खासतौर पंजाबियों सिखों को ये डिवाइड करने की कोशिश वो कर रहा है, क्योंकि उसका वोट बैंक वहां पे खालिस्तानी है और उनका पार्टी का फंड है जो वो खालिस्तानियों से चलता है। इसलिए वहां अगर मैं कहूँ 0.5% भी लोग हैं जो वो खालिस्तान और जो मंदिर या गुरुद्वारों के ऊपर खालिस्तान लिखते हैं या हमारे मैसी में झंडे पे कोई ना कोई आपत्ति करते हैं, वो सिर्फ 0.5% है। बाकी तो लोग हमारे वहाँ काम करते हैं पंजाबी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू जितने भी हमारे पंजाबी हैं वो ट्रूडो और इसकी पार्टी और इसके MPs को ये बात कहें भी, जितने अगर वो ऐसी बात करेगा कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को आने में वीजे की प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं हमारे PR की प्रॉब्लम आएगी, और बहुत चिंतित हैं। और अगर वो हमारे मोस्ट वांटेड और जितना ड्रग कार्टेल है, जितना पंजाब में ड्रग आ रहा है, ये नेचर और ऐसे लोग हैं जिनके पीछे गवर्नमेंट हिंदुस्तान के पीछे उनके उनको पकड़ना लाना चाहती है, क्योंकि पंजाब में जितना ड्रग है और जितना गैंगस्टर और वो सारी ट्रूडो और ट्रूडो के जो लोग हैं सरकार के, वो पंजाब को बर्बाद करने के लिए वहां पे चला रहे हैं। और हम इस चीज के लिए बहुत सख्त स्टैंड इकट्ठे होके, कोई इसमें पार्टीवादी नहीं है, गवर्नमेंट और हम सब पार्टियां इसको बड़ा मजबूती से हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश कनाडा में रची जा रही है। थैंक यू सो मच। और इतने कट दिए काली काली।